दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत तीसरा वनडे मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों 2-1 से सीरीज अपने नाम करने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एमए चिदम्बरम स्टेडियम में टीम के अंदर 7 बड़े बदलाव करके उतर चुके हैं। आखिर मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ किसने की है पारी की शुरुआत, कौन जड़ रहा है खूब छक्के चौके, किसने बना लिए हैं कितने रन, कौन पहुंच गया शतक के करीब, सब आपको वीडियो में लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला यहाँ एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर आज यानी कि 22 मार्च को खेला जा रहा है चेन्नई में। जहां इस वनडे श्रृंखला के पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी तो वहीं दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था और 1-1 से सीरीज बराबरी पर आ गई थी। और अब तीसरा वनडे मैच जो भी टीम अपने नाम कर लेगी वही इस खिताब को अपने घर लेकर जाएगी, क्योंकि हम सभी तो जानते हैं कि भारतीय टीम ने दूसरा वनडे मुकाबला कितना शर्मनाक तरीके से हारा था, क्योंकि भारत की पूरी पारी 117 रनों पर ही ढेर हो गई थी। लेकिन अब वो गलतियां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए मैदान पर खूब छक्के चौकों की बौछार होती हुई हम सभी को नजर पड़ रही है। वहीं आपको बताते हुए चलें कि तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए एक ऐतिहासिक मुकाबला होने के साथ साथ इस सीरीज को नाम करने के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर ओडीआई के हेड टू हेड के आंकड़ों को देखा जाए तो दोस्तों यहां पर कई गुना आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम चल रही है। और अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भारत हरा नहीं पाता है तो इस साल जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा वनडे क्रिकेट का, उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना टीम इंडिया को करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें अभी तीसरे वनडे मुकाबले के लाइव अपडेट के बारे में तो दोस्तों आप सभी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, जहां आप सभी टेलीविजन में इस मैच का आनंद उठा सकते हो। वहीं बात करें अगर ऑनलाइन की तो दोस्तों आप सभी मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर देख पाओगे, जहां यह मुकाबला फ्री में भी डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर दिखाया जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए काफी अच्छा विकल्प रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपको बताएं मैच का हाल तो उससे पहले आइए आपको पिच रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। यहां पर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस अहम मुकाबले की पिच को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं जा रही हैं। लेकिन दोस्तों अब खबर सामने निकल कर आ चुकी है कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों की बजाय स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एक लंबे अंतराल के बाद इस मैदान पर वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि चिंता का विषय जरूर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए होगा। लेकिन दोस्तों हमारे एक टीम के खिलाड़ी जल्दी रिकवर करना जानते हैं और उन्हें पता है कि कैसे यहां बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरे वनडे में हराना है और 2-1 से इस सीरीज को अपने नाम भी करना है। बाकी दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर काफी बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि यहां पर हर किसी ने देखा है कि रोहित शर्मा भी लय में चल रहे हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने कुछ रन तो बनाए लेकिन उसके बाद वो अपना विकेट गवा बैठे और यहाँ टीम इंडिया के लिए जो कि निराशजनक था। लेकिन अब रोहित शर्मा ने खूब अभ्यास सत्र में भाग लेते हुए अपनी बल्लेबाजी में फिर से सुधार किया है और अब उन्होंने खुद कहा है कि वो यहाँ शतक लगाने के लिए ही तीसरे वनडे में खेलने के लिए उतरेंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा पर भी काफी ज्यादा दारोमदार है कि ये सभी खिलाड़ी यहाँ शतक जड़ने के पीछे भागे और तेज गति से 50 ओवर में रन बनाकर टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाए। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर भारतीय टीम के बारे में तो आपको बताते हुए चलें कि भारत की तरफ से जो आप सभी को प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली है उसमें कप्तानी तो एक बार फिर से रोहित शर्मा के हाथों में थमाई गई है। वहीं उनके साथ शुभमन गिल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर मध्यम क्रम की तो दोस्तों मध्यम क्रम में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है, जहां ये बल्लेबाज आसानी से टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। और ऑलराउंडर के तो आप सभी को पता ही है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल से बेहतर विकल्प अभी भारत के पास कोई मौजूद ही नहीं है। हालांकि यहां पर गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को मौका दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्स खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुसेन, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस खेल रहे हैं। हालांकि यहां पर शीन एबर्ट, नाथन एलिस, मिचेल स्टार्क और एडम जाम्पा खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।